टाइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। हटाए गए बिहार के वारंट वाले मंत्री, कानून मंत्रालय से कार्तिक की छुट्टी, अब देखेंगे गन्ना उद्योग विभाग। बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, हर राज्य में मोदी की होंगे भाजपा स्टार चेहरा, सर्वे में स्टेट लीडरशिप फेल। गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना वक्त बीतने के बाद इन पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। अन्ना की सीएम केजरीवाल को पहली चिट्ठी, लिखा आपकी शराब नीति से दुखी हूं, आपकी कथनी और करनी में फर्क। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, लश्कर के 3 आतंकी ढेर। भाजपा पार्षद ने 1.80 लाख में खरीदी चोरी का बच्चा, मथुरा स्टेशन से मां के बगल से उठाया था, हाथरस के डॉक्टर पति पत्नी चलाते हैं गैंग। थाने में घुसकर दी वर्दी उतारने की धमकी, वाराणसी में भाजपा बताने वाले ग्राम प्रधान की पुलिस के साथ दबंगई का वीडियो वायरल। उन्नाव में शक्ति मिशन को दिया जा रहा है बढ़ावा, लखनऊ कानपुर रेल रूट पर बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार, गंगाघाट स्टेशन होगा 5 लेन। शिवपाल यादव ने भतीजे पर कसा तंज, इटावा में शिवपाल बोले अगर जिम्मेदारी देते तो हर सीट पर 20,000 वोट बढ़ सकते थे। प्रयागराज वाराणसी में घटने लगा गंगा का जलस्तर, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, डेंगू का खतरा बढ़ा। महंगाई से राहत का भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं सुनक, अपना पार्टी के सर्वे में ट्रस्ट से 30 पॉइंट से पिछड़े, कॉस्ट ऑफ लिविंग में 18% बढ़ा। तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोरबोचो का निधन, उनकी ही शासन में कम्युनिस्ट शासन का हुआ था पतन। कर्गिस्तान में बर्ड हंटिंग फेस्टिवल, सालबुरुइन की धूप, 15 देशों में ईगल हंटर्स ने दिखाए जौहर, 1200 साल पहले हुई इसकी शुरुआत। तालिबान का नया फरमान, दुकानदार बिना हिजाब वाली महिलाओं को नहीं बेचेंगे प्रोडक्ट, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1,140 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने हालात पर दुख जताया। बांग्लादेश के खिलाफ नजीबुल्लाह जादरन ने मचाया कोहराम, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी गेंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, मौजूदा समय में वो लगातार चोटों से भी परेशान चल रहे थे। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 के लिए किया क्वालिफाई, सुपर 4 स्टेज में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। जदरान बदश ने बांग्लादेशी गेंदबाजों का किया बुरा हाल, एमएस धोनी स्टाइल में छक्का मारकर दिलाई जीत। हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड सीरीज के बाद झूलन गोस्वामी के संन्यास की पुष्टि की, कहा उनकी कभी टीम में पूरा नहीं किया जा सकता है। रेप की धमकी देने वालों को जैस्मिन ने दिया जवाब, बोली हिम्मत है तो सामने आकर अपनी पहचान बताओ। शाहरुख दीपिका का थ्रोबैक वीडियो वायरल, दीपिका के बालों को सवारते दिखे शाहरुख खान, दिखी मजेदार केमिस्ट्री। अरबाज की तनाव का टीजर हुआ आउट, 2017 में कश्मीर बम धमाके पर आधारित है वेब सीरीज, सोनीली पर किया जाएगा स्ट्रीम।
हिरासत में जाते केआर के बीमार, फिल्म क्रिटिक ने सीने में दर्द की शिकायत की अस्पताल में भर्ती। अमीषा पटेल पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल बीच मुकदमे पर लगाई रोक। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।